कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश में भारतीय रेलवे कड़ा फैसला लेते हुए सभी ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। सरकार के फैसले के मुताबिक देश भर में चलने वाली तमाम पैसेंजर ट्रेनों और मेट्रो ट्रेनों को 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया है। दिन के 2400 घंटे और साल के हर दिन लगातार दौड़ती भागती ट्रेन पर कोरोना के संक्रमण ने ब्रेक लगा दिया। मुसाफिरों को अपने घर अपने शहर तक पहुंचाने वाली ट्रेनें अब 31 मार्च तक पटरियों पर नहीं दौड़ेंगी। करोड़ों लोगों को लेकर दिन रात चलने वाली रेल सेवा 31 मार्च तक बंद कर दी गई और इसकी वजह है कोरोना। कोरोना चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसने अब हिंदुस्तान के 75 जिलों तक अपने पैर पसार लिए, लेकिन शहरों से निकलकर ये गांव तक ना पहुंच जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवाएं फिलहाल 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब देश भर की सारी ट्रेनें इतने दिनों तक बंद रहेंगी। लेकिन इसकी वजह से कई मुसाफिर जहां तहां फंस गए। कोरोना के डर से अपने घर जाने की कोशिश में अनेकों मुसाफिर स्टेशन पर पड़े। मध्य प्रदेश के कटनी में ऐसे ही करीब 400 प्रवासी मजदूर फंसे हुए जो मुंबई, पुणे, सूरत और हैदराबाद से निकलकर अपने गांव तक जाने के लिए निकले थे। गढ़वा रोड हमको जाना है, ट्रेन एक गाड़ी नहीं चल रहा है, सब कैंसिल बता रहा है। हम लोग भोर से 1 बजे नाइट से आया हूँ। हम लोग अभी तक आया, खाना पीना कुछ नहीं खाया था। कुछ भैया लोग हैं कि भी खिड़ी का व्यवस्था किया। कोरोना संक्रमण के कारण कटनी में सभी दुकानें बंद हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने अब खाने पीने का भी संकट हो गया है। ऐसे में कुछ स्थानीय युवकों ने रविवार को इन मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया। हमको पता चला कि यहाँ साउथ स्टेशन के पास 150-200 लोग और ज़्यादा ही होंगे फंसे हुए हैं। ना उनके आने जाने का कोई साधन है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं हैं। ना उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था है, जिस चलते हम लोगों ने एक सब मुहिम चलाई। हमारे मोहल्ले के लड़के हैं मंगल नगर क्षेत्र के, हम लोगों ने यहाँ पर एक खिचड़ी बनवाई और खिचड़ी का वितरण किया। स्थानीय लोगों के लंबे समय तक इन प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम करना आसान नहीं है। ऐसे में अब प्रशासन को स्टेशन पर फंसे प्रवासी मजदूरों और दूसरे मुसाफिरों को यहां से निकालने की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए ताकि हर व्यक्ति कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रह सके। टीम न्यूज़ स्टेट।